जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हम इस पे आज चर्चा करेंगे। जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके पहले जब पर्सनालिटी के बारे में हम जान जाएंगे और फिर कोरिलेट करेंगे चीजों को कि किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को के डेवलपमेंट में किस तरीके से, पता हम सभी को है, बट एक बार एक सीक्वेंशियल वे में आगे बढ़ना चाहूंगी। ज्यादा इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं करूंगी। आज का जो टॉपिक है, पहले टॉपिक पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस। यहाँ पर जो मिशन प्रेरणा का परफॉर्मेंस बेस्ड जो एक हम लोग का भी नया मिशन प्रेरणा चला है, जो मिशन है कि एकेडमिक एक्सीलेंस यानी परफॉर्मेंस, हमें बच्चों की परफॉर्मेंस को बेटर करनी है, पहले जो लेवल है उससे बेटर करना है और उन्हें उस लेवल तक पहुंचाना है। एक लर्निंग आउटकम बच्चे का उस पर्टिकुलर क्लास का, हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें कॉग्निशन जो हमारा नॉलेज वाला पार्ट है। मैं सीधे पॉइंट पे ही आऊंगी क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और सभी लोग सब कुछ जानते हैं, हम सभी जानते हैं, तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। हम सीधे सिक्वेंशियल वे में चलेंगे। कॉग्निशन मीन्स नॉलेज वाला पार्ट, आपका माइंड ब्रेन। हालांकि ब्रेन एंड माइंड दो अलग चीजें हैं, लेकिन कॉग्निशन से रिलेटेड है, नॉलेज वाला पार्ट है। हमारा बिहेवियर, व्यवहार क्या है, इमोशनल जो हमारा इंटरेक्शन है, जब भी हम देखेंगे तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक हमारा एनवायरमेंट और दूसरा हमारा बायोलॉजिकल, जो भी हमारा जेनेटिक, हम जैसे पैदा हुए हैं। तो जो हम जैसे पैदा हुए हैं उसमें मेन चीजें होती हैं कि बच्चे की अभिवृत्ति क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, मीन्स एप्टीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी कितनी IQ है, वो बच्चा पहले से ही उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं, जो एप्टीट्यूड उसके अंदर होगा, लाइक मैथमेटिकल होगा, हो सकता है वो थोड़ा सा गाने से ज्यादा अच्छा सीखता हो, किनेस्थेटिक लर्नर है तो करके अच्छा सीखता होगा, ये सब कहीं ना कहीं जन्मजात होता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर की जब हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें उसका आसपास का परिवेश और जहां भी वो रह रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम बिता रहा है, तो ये सारी चीजें जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉलेज वाला पार्ट, उसका व्यवहार और उसका इमोशनल, क्योंकि हम सोशल जो है, हम सोशल होते हैं, एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में इमोशन, उसका जो बिहेवियर, वो सारी चीजें इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है, इसी के हिसाब से पर्सनैलिटी होती है। तो ये एक सेट्स ऑफ बिहेवियर्स, कॉग्निशन और इमोशनल पैटर्न होता है जो बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेट किया जा सकता है। अब हिंदी में बिल्कुल हम सभी जानते हैं, व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और लक्ष्यों का संगठन है और प्राणीशास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के संयुक्त कार्य से उत्पन्न होता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हम सभी ने बीएड बीटीसी में मैस्लो की थ्योरी पढ़ी है, बहुत ही पॉजिटिव साइकोलॉजी है इनकी। सारे धर्मों में भी वही बात बताई गई है जो मैस्लो की थ्योरी में है, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हमारे मानव जीवन का लक्ष्य क्या होता है, हमारे मानव जीवन का लक्ष्य होता है सेल्फ एक्चुअलाइज करना, मतलब आत्मबोध। यही आत्मबोध वेल बीइंग का रास्ता होता है, जिसमें हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी को रियलाइज करते हैं कि हमारी जरूरतें क्या है, हमारी जो जरूरत है या हमारी जो ड्यूटी है वो कैसे परफॉर्म करें, कैसे बेटर इंटरेक्शन करें, हमें खुद की सेहत का कैसे ख्याल रखना है, हमारे व्यक्तित्व में आने वाली सारी चीजें उनको साथ में लेते हुए, अपनी सोशल लाइफ में बेटर एडजस्ट करते हुए, अपनी सेहत का बेटर ख्याल रखते हुए, अपने इम्यून सिस्टम को बेटर रखते हुए किस तरीके से, क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक हम माइंड या हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात नहीं कर सकते। तो उस क्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सारे धर्मों में इस बात को बोला गया है कि ईश्वर की प्राप्ति करना है। जब हम ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग नास्तिक हैं, कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ कर्म योगी हैं, कुछ भक्ति योग वाले हैं। रास्ता सबका एक ही होता है, सभी धर्मों का और सभी रास्ते जो भी पाथ बताए गए हैं। तो वेलबींग की जब हम बात करते हैं, बच्चे को सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती है, बच्चा अच्छे से सोए खाए पिए, ये उसकी सबसे पहली नीड है। जब तक पेट नहीं भरा है तब तक वो आगे सोच ही नहीं सकता, तो आत्मबोध तो बहुत दूर की बात है। फिर सेफ्टी नीड उसको होना चाहिए कि मेरा कोई है,
उसके बाद उसे प्यार करने वाला कोई होना चाहिए, मतलब सेफ्टी नीड में घर होना चाहिए इसका, उसका एक कोई आश्रय होना चाहिए, उसकी एक हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये हम लोगों में प्रॉपर्टी की बात होती है, बट बच्चों में सेफ्टी नीड्स मतलब उसको किसी का आश्रय मिले, फिर उसकी फैमिली का प्यार मिले, लव एंड बिलोंगिंग। फिर आता है एस्टीम। जब बच्चे को ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब उसके अंदर डेवलप होती है भावना कि मैं भी कुछ हूँ। वो धीरे धीरे जब बढ़ता है आगे, उस चीज को समझने लगता है। और यही हमारे साथ भी होता है, हम एक स्टेज से, अभी बच्चे में बहुत छोटे थे और फिर हम आगे बढ़े। उसके बाद आता है नंबर लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है, जिसमें हम फील करते हैं कि अब हम सब कुछ प्राप्त कर चुके, हमने जितनी मेहनत करनी थी करी, अब ये वक्त आया है कि हम खुद को समझें। लेकिन क्या आपको लगता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कोई पर्टिकुलर स्टेज ही होती होगी? सर मैं चाहूंगी कि अकबर अली सर का शायद म्यूट नहीं है, तो कर दिया जाए प्लीज, जो भी एडमिन है तो। ओके 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 गरिमा, आप कंटिन्यू रखो, मैं ट्राई करती हूँ। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वही होता है कि किसी भी तरीके से फुल्ली जो पोटेंशियल किसी भी इंसान के अंदर है, उसको किसी भी तरीके से हम रियलाइज करवा दें, उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा दें कि वो बच्चा बिना किसी रुकावट से अपनी पोटेंशियल को बेस्ट यूटिलाइज, जितना भगवान ने उसको जितनी चीजें दी है, जितनी क्वालिटीज दी है, उसको रियलाइज करते हुए वो अपने मन की बात, अपनी अंदर की जितनी भी चीजें कर सकती है, एक लेवल पे डेवलप कर ले कि उसे समाज को भी फायदा हो और उसे खुद को भी फायदा हो। अभी भी कहीं से आवाज आ रही है मैम, तो प्लीज देख लीजिएगा। अब जब भी हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, अगर पर्सनालिटी पे जाएंगे तो वो तीन क्वालिटीज पर रहता है, जिसमें तीन क्वालिटीज आती है, रजस, तमस और सत्व। तो आइए जानते हैं गीता में बताए गए इन लक्ष्यों के बारे में, इन गुणों के बारे में गीता में बताया गया है। वैसे तो अन्य धर्म ग्रंथों में भी बहुत सारी अच्छी चीजें बताई गई हैं, लेकिन हम गीता के इस पार्ट को पकड़ते हैं, जो कि हर पर्सनालिटी थ्योरी इसी से होकर गुजरती है। और हमें अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए कि कितनी भी साइंस, कितने भी साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट लग जाएं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे भारतीय ग्रंथों में, विभिन्न धर्मों में जो कुछ बताया गया है, घूम फिर कर वहीं पर आता है। तो आगे हम चलते हैं इसी टॉपिक को लेकर। सभी जानते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हर बच्चे की अपनी एक प्रकृति होती है, एक प्रवृत्ति होती है। वो रजस, सत्व और तमस इन तीनों के साथ मिलकर बनता है, प्रिडोमिनेंस होता है, इसमें बैलेंस और इम्बैलेंस चलता रहता है। जैसे रजस और तमस अगर बैलेंस नहीं है तो मेंटल इलनेस आ जाएगी, उसके रास्ते में रोड़े आएंगे, वो फुल एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। रजस और तमस यदि बैलेंस हो गए तो सच मानिए कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान हो जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। रजस की जब हम बात करते हैं तो क्या रजस है? क्या रजस एक्टिविटी के लिए होता है? मतलब अगर रजस वाला गुण हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कार्य नहीं करेंगे, हम हाथ भी नहीं हिलाना चाहेंगे, हम बस बैठे रहेंगे, आराम से सोएंगे, हमारे अंदर आलस भरी रहेगी, या जब मन किया तो कर लिया, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। रजस जो है हमारे अंदर एक इच्छा जागृत करती है कि हमें कुछ करना है, लेकिन करना बहुत अच्छी बात है बैलेंस में। अगर ये ज्यादा हो जाए कि एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा कर रहे हैं, तो इंसान में रेस्टलेसनेस आ जाती है, मतलब उसके अंदर इम्पेशेंस, उसको बहुत ही अधीर, धैर्यशाली नहीं रह जाता, वो इम्पेशेंट हो जाता है। और ये जो इसकी वजह से कि काम की वजह से स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, वो कहीं ना कहीं इम्पेशेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और मेंटल इलनेस बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टुनाइट आई ड्रीम, टुमारो आई डू, सपने के देखना, जागती आंखों से सपना देखना और उसे क्रियान्वयन करते रहना, उसे करते रहना, ये बहुत अच्छी चीज है। बट सिर्फ डे ड्रीमिंग करना और अधीर होकर करना कि आपका मन विचलित रहे हमेशा, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक तो अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे यदि कर ले गए तो, और पहली बात तो करने में आपको 10 बीमारियां भी हो जाएंगी।
तमस के बारे में समझते हैं। तमस जो है लिथार्जी होता है, आलस। अब आलस भी जरूरी है, आलस क्यों जरूरी है? अगर आलस नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं पूरी होगी तो भी मेंटल इलनेस होगी। लेकिन यही लिथार्जी जब कुछ मात्रा में है तब तो ठीक है, क्योंकि जरूरी है रेस्ट लेना। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाता है तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है हम लोगों में। उसके बाद क्या होता है कि हमारे काम किए हुए काम का प्रेशर बढ़ जाता है, हुए जो हमारे टास्क होते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है बाद में चल के, जब वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें, कभी जॉब जाने का डर है, कभी कुछ। उसमें मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम सभी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि टालने की प्रवृत्ति किस तरीके से सुसाइडल, डिप्रेशन और एडिक्शन में, मतलब नशा नशा करने लगेंगे हम, क्योंकि हम उसको बेयर नहीं कर पाएंगे अपने असफलता को। उसके बाद सुसाइडल टेंडेंसीज भी, कुछ लोग जो जेनेटिकली सुसाइडल थॉट्स वाले होते हैं, ऐसा उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा आज का फिजिकल एक्टिविटी टॉपिक है, तो सुसाइड तक की हद आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रजस और तमस जैसे ही इम्बैलेंस हुआ, मेंटल इलनेस बढ़ गई। स्ट्रेस हो चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन हो, मतलब चाहे रजस गड़बड़ हो चाहे तमस गड़बड़ हो, दोनों ही चीजें, अति में कोई भी चीज बुरी है, अति का बुरा ना बोलना, अति की भली ना चूप, वो वाला हमने सुना हुआ है, तो ये मेंटल इलनेस को आगे बढ़ाता है। इसको करना कैसे है बैलेंस, तीसरी क्वालिटी पे आते हैं। बैलेंस करने के बाद में जानेंगे, लेकिन किस चीज से इसकी बैलेंसिंग कैपेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानते हैं, दैट इज सत्व, जो तीसरा गुण है। तीसरा गुण है पीस एंड सेरेनिटी। यहाँ आप देख सकते हैं, इस स्लाइड को देखकर ही मन में एक अजीब सा बहुत ही अच्छा लग रहा है, जॉय खुशी, लव प्रेम पूर्ण वातावरण, पीस शांति, मन की बिल्कुल शांति। किसी भी तरीके का स्ट्रेस किसी भी काम के लिए जरूरी है, मिनिमम स्ट्रेस, लेकिन वो आपको विचलित नहीं कर पाएगा यदि आपके अंदर सत्व की मात्रा ज्यादा है। इसे कैसे बढ़ाना है? पहली बात, रजस और तमस को बैलेंस करना है और सत्व को बढ़ाना है। यही एक रास्ता है कि मेंटल इलनेस हमें ना हो, और साथ ही साथ हम अपने आप को पूर्ण रियलाइजेशन, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, एक फुल पोटेंशियल इंसान बना पाए जो समाज के लिए और अपने लिए अच्छा कर पाए, अपनी कैपेबिलिटी जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त क्वालिटीज हैं उसमें बेस्ट कर पाए। सत्व को बढ़ाने के तरीके हैं फिजिकल ट्रेनिंग, जो कि आज हमारा टॉपिक है, योगा हमारे सिलेबस में होता है, हम लोग करवाते हैं सारे टीचर्स, मेडिटेशन, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। न्यूट्रिशन में भी, न्यूट्रिशन में भी तीनों क्वालिटीज आती हैं, सत्व रजस और तमस, दोनों तीनों ही क्वालिटीज को बढ़ावा दे। जैसे सत्व, जिस दिन हम व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, उस दिन हम, आपने देखा होगा कि स्पाइसी चीजों को अवॉइड करते हैं, मिर्चा बहुत ज्यादा, लाल मिर्चा नहीं खाएंगे, ये सारी चीजें सात्विक है। जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारा माइंड बन जाता है, वैसा ही हमारा, हमारे अंदर हॉर्मोन्स, हमारे केमिकल्स वैसे ही होते हैं, और हमारा ब्रेन भी वैसे ही होता है, और हमारे बिहेवियर भी चेंज होता है। राजसिक में आप खाएंगे तो खाते ही थोड़ा लाल में खा लिया या स्पाइसी ज्यादा खा लिया तो तुरंत मन में विचलित हो जाता है, और हम बताइए बॉडी को हार्म करे, एडिक्शन वाली चीजें, नशा वाली चीजें, कुछ भी किसी और की हानि से को हार्म करे, वो न्यूट्रिशन। हमारे गीता के ही चार पार्ट को लूंगी मैं, चार तरह के लर्नर बताए गए हैं हमारे बच्चों को, जब हम बच्चों की बात करते हैं, लर्नर वार्क विजुअल और ऑडिटरी वाले, उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो आज का पार्ट नहीं है, एक रीडिंग राइटिंग वाले तरीके से जल्दी सीखते हैं, और चौथा होता है काइनेस्थेटिक लर्नर। किनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं वो करके सीखते हैं, तो वो कर्म योगी हो गए। भक्ति योग, जो बच्चे थोड़े इमोशनल ज्यादा होते हैं उनको उस तरीके से अगर आप सिखाएंगे तो उन्हें ज्यादा मजा आता है चीजों को सीखने में। ज्ञान योग और राजयोग, इसको हम एक साथ ही बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है उनका, बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि वैसा ही बनाया है। क्योंकि आज टाइम कम है तो इस पर चर्चा नहीं करते, हम सीधे इसके आगे बढ़ेंगे जो हमारे एजुकेशनल टॉपिक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम सभी टीचर्स सबसे पहले पढ़ते हैं, बताए गए हैं, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये चार योग बताए थे उन्हें हम ध्यान रखेंगे।
और इसको कोरिलेट करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी से। ब्लूम्स टेक्सोनोमी में तीन डोमेन्स बताए गए हैं, एक है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, साइकोमोटर आत्मक, अफेक्टिव यानी भावात्मक। तो कॉग्निटिव मतलब मेंटल स्किल से, जिसको आपने अभी सुना होगा ज्ञान योग या राजयोग, वो कॉग्निटिव में आता है। कुछ बच्चे इस तरीके से सबसे अच्छा सीखते हैं। साइकोमोटर करके सीखने वाला, मोटर स्किल्स वाले यानी कर्मयोगी, अफेक्टिव भावनात्मक, भावात्मक जिसे बोलते हैं, वो आपका हो गया भक्ति योग वाला, मतलब वो बच्चे इमोशनली बहुत अच्छा सीखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए कि हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों में जो भी ग्रंथ लिए गए हैं, यहाँ तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल गीता का लिया है, कहीं ना कहीं वो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं फॉरेनर्स हैं अब्रॉड वाले, वो सारे एक तरफ हैं और हमारे भारतीय संस्कृति एक तरफ है। हमें गर्व होना चाहिए इससे। तो लर्निंग स्टाइल में तीन डोमेन्स आ गए, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष, कर्मयोगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी या राजयोगी। तो कुल मिलाकर हमें जब भी ईश्वर की प्राप्ति करनी हो या हमें सेल्फ रियलाइज करना हो, हमें इन तीनों का सहारा लेना चाहिए। कोई सिर्फ ज्ञान योग से प्राप्त करे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, कोई भक्ति योग से प्राप्त करे ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ कर्म ही करता रहे ऐसा भी जरूरी नहीं। हम कर्म भी करते हैं और पूजा भी करते हैं, भक्ति भी होती है हमारे अंदर और पढ़ते भी हैं, खुद को अपडेट भी करते हैं, वो ज्ञान योग हो गया। तो चाहे हम हो या हमारे बच्चे, हम सभी ऐसे ही सीखते हैं। तो वेलबींग की जहां मैं बात कर रही थी, अब मैं सीधे पॉइंट पे आऊंगी। वेलबींग क्या है? वेलबींग डिस्क्राइब करती है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, आपकी ताकतों को, स्ट्रेंथ जो है आपके अंदर, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, और फिटनेस फंक्शन, फिटनेस टू फंक्शन। किस लिए फिटनेस चाहिए हमें? वर्क पर्सनली लेवल पे और अपने काम को अच्छे करने के लिए हमें अपने वेलबींग का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट वेलबींग पर आते हैं। स्टूडेंट वेलबींग इन चार तरीकों से, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल, सोशल और फिजिकल, हम सभी जानते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चे की मेंटल हेल्थ, नॉलेज और स्किल आता है। बच्चे का जो करिकुलम हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, सपोर्टिव इन्वायरमेंट जिसमें हम उसके अभिभावक और उसके साथी आते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस जिसमें हेल्थ इश्यूज उसके हम पीटी, योगा, ये सारी चीजें करवा के उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ सर्विसेज, अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, हम रैली निकालते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस ये बच्चे को फायदा करती है डायरेक्टली। एक्सेस टू सर्विसेज मतलब जो भी सर्विसेज अवेलेबल है उसकी इंफॉर्मेशन हम उसके अभिभावक को और बच्चों को इनडायरेक्टली, क्योंकि अभिभावकों को बताएंगे, प्राइमरी स्टूडेंट है तभी वो अपने बच्चों तक ले जा पाएंगे। हमारे सारी एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो बेस होती है इन्हीं तीनों पर, जो अभी मैंने पिछले पीछे रिलेट किया आप लोगों के सामने, माइंड बॉडी एंड सोल। जब ये कनेक्शन बढ़िया हो जाता है बैलेंस में, तो हम बेस्ट रियलाइज कर पाते हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी कैपेबिलिटी है और जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं हम। इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ज्ञान योग, एकेडमिक, कुछ बच्चे एकेडमिक से बहुत अच्छा करते हो सकता है, कर्मयोगी, भक्ति योगी थोड़े इमोशनल कम हो, या कर्मयोगी थोड़े से पीटी योगा कम करते हो, और कर्मयोग जो है उनका एकेडमिक्स में ज्यादा दिखे, तो कोई बात नहीं। इन तीनों का बैलेंस हमें भी बनाना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी करवाना चाहिए। तो माइंड कॉग्निटिव हो गया, बॉडी साइकोमोटर हो गया, सोल अफेक्टिव हो गया, इमोशनल वाला पार्ट। बच्चे को हम प्रेयर करवाते हैं, उसको मॉरल टीचिंग देते हैं, वो सब भक्ति योग में आ गया। तो इन तीनों का सामंजस्य बिठाना सारे टीचर्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब मैं लास्ट में इसको इसी तरीके से खत्म करना चाहूंगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल और मेंटल हेल्थ, उसमें कोरिलेशन होता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि इसमें ब्रेन के रीजन्स दिखाए गए हैं अलग अलग कलर से, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, सेरेबेलम और टेम्पोरल। ये जो चीजें हैं, ये जो पार्ट है ब्रेन के, वो हमारे कॉग्निशन यानी हमारे जो ज्ञान, एप्टीट्यूड हमारी जो अभिवृत्ति, हमारे जो कौशल है, स्किल है, जो हम पढ़ते हैं स्टडी वाला पार्ट, हमारे जो लॉजिक होते हैं, हम जो एक लॉजिक लगाते हैं बच्चों में, जो लॉजिकल कैपेबिलिटी होती है रीजनिंग वाली, मेमोरी और कंसंट्रेशन, इन सारे भागों को ये कंट्रोल करता है। और ब्रेन में आप सभी जानते हैं कि केमिकल्स निकलते हैं, उनमें से कुछ केमिकल्स का मैं नाम लेकर यहाँ पर खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि विपाशा जी से बेटर तरीके से आप लोगों को समझाएं, क्योंकि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है।
एक्सरसाइज के फायदे हम यहाँ लास्ट में एक जस्ट मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की टाइम को देखते हुए इन कुछ केमिकल्स का मैं नाम लेना चाहूंगी जिससे हम एक्सरसाइज का ब्रेन से कोरिलेशन देख सकते हैं। एंडोर्फिन्स जो एक एनाल्जेसिक का काम करता है, मतलब दर्द निवारण, जिसको कहते हैं ना दर्द है, एक सेडेटिव, एक ऐसा इफेक्ट देता है कि हम दुखी हैं या कुछ भी हैं तो भी हम काम कर पाए, थोड़ा दर्द कम हो, हमारे अंदर जोश रहे, हम काम कर पाए। डोपामिन आपका होता है फील गुड केमिकल, हमारी मूड को, एनर्जी को, एटीट्यूड, एटीट्यूड अच्छा रहेगा, हर चीज को पॉजिटिवली लेंगे, मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एक्सरसाइज करने से ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं, वो अच्छी तरह से रिलीज होते हैं। सेरोटोनिन की बात कर लें, ये एक ऐसा ब्रेन केमिकल है जो आपके मूड को, आपकी भूख को, आपकी स्लीप, आपकी वेकअप वेक साइकिल, जो मतलब आपका बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको कंट्रोल करता है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि सेरोटोनिन हमारी फिजिकल पार्ट को, डोपामिन हमारे माइंड को, और एंडोर्फिन हमारे सारी पर्सनालिटी को, इनडायरेक्टली ये सारे जो है कंट्रोल करते हैं। गुण के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, कौन किस तरीके से बेटर समझ सकता है, इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल हेल्थ। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने कॉन्फिडेंस को आप इंक्रीज करिए, बच्चों का करवाइए, हम करेंगे, बच्चे इमिटेट करते हैं, वो भी सीखेंगे, हेल्दी कोपिंग होगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, फील गुड होगा, सोशल इंटरेक्शन अच्छा होगा, रिश्ते अच्छे होंगे, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ी रहेगी, रास्ते पे जो रोड़े हैं, ऑब्स्टैकल्स हैं, वो कम आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि व्यायाम के हर स्टेज पर कुछ प्रकार होते हैं, जो बच्चों की हम बचपन से 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक जो मालिश से शुरू करते हैं और वो जाकर खत्म होती है वृद्धावस्था में घूमने टहलने धीरे धीरे। इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि इसको मैडम ज्यादा बेटर कवर करेंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर स्टेज के लिए, वयस्क प्रौढ़ लोगों के लिए, वृद्ध पुरुष के लिए, सबके लिए अलग अलग व्यायाम है, जो थोड़े माइल्ड होते हैं, मॉडरेट होते हैं, थोड़ा ज्यादा होता है, उसके बारे में मैम बेटर बताएंगी। यहाँ तक कि हम इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं में भी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस बताई गई है। जब भी जाते हैं हम डॉक्टर के पास तो वो हमें हल्के फुल्के व्यायाम, झाड़ू पोछा करना, टहलना, ये सब माँ होने वाली जो माँ होती है उसको बताया जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी का कितना इम्पोर्टेंस है, इसे मुझे नहीं लगता कि हम सब कहीं से भी अपरिचित हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि थिंक पॉजिटिवली, अच्छा सोचिए, एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, जम के मेहनत करिए, स्ट्रांग बने रहिए मेंटली भी फिजिकली भी, कम चिंता करिए, डांस जम के करिए, प्यार बांटिए और खुश रहिए। तो यही हमारे जीवन का ध्येय है। तो आज के इस टॉपिक को मैं यहीं पर विराम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सबको. सुनाई दे रहा है मैडम? यस मैम, यस मैम। हेलो. ओके ओके. हाँ जी मैम, प्रेजेंटेशन सुन दिख पा रहा रहे है? हैं प्लीज? हाँ मैम, दिख रहा है? प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है, स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ओके, थैंक यू. सबको प्रणाम और नमस्कार. सब बहुत टीचर्स, स्काउट्स के सर, मैडम, सब लोग हैं, सबको मेरा नमस्कार करते हुए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करती हूँ. इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस एंड मेंटल हेल्थ और वेलबींग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ. मस्कुलोस्केलेटल में मैंने फिजियोथेरेपी किया है और मैंने क्रिकेट में भी काम किया हुआ है. डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑलमोस्ट 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 3 साल से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो हम जानना चाहेंगे, आप सब जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस है? एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम और फिजिकल एक्टिविटी यानी कि कोई भी शारीरिक गतिविधि. हाँ, दोनों में अंतर है. एक्सरसाइज प्लान्ड, सस्टेन्ड और उसके लिए एक सर्टेन स्किल की जरूरत होती है, मतलब योजना, प्लान्ड मतलब योजना और निरंतर अभ्यास और एक कौशल की जरूरत होती है एक्सरसाइज के लिए. फिजिकल एक्टिविटी होता है कोई भी शारीरिक गतिविधि जो मांसपेशियों में ऊर्जा का व्यय करती है. इंटेंसिटी लेवल्स जिसमें फिजिकल एक्टिविटी को डिवाइड किया गया है, मतलब तीव्रता, तो कम तीव्रता जिसमें बच्चे अपने खिलौनों से खेलते हैं, घर में चलना फिरना, घर का थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम कर देना, पेरेंट्स को हेल्प करना, खुद
खुद नहाना धोना, खुद अपना पर्सनल केयर करना, अपने कपड़े खुद पहनना उतारना, उनको तय करके रखना। मॉडरेट एक्टिविटी जो कि मध्यम गति के एक्टिविटी होते हैं, उसमें आते हैं साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉक, गार्डन में खेलने जाना, गार्डनिंग करना, कहीं भी किसी भी प्लेग्राउंड में खेलने जाना, जो मॉडरेट में आता है। और विगरेस जिसमें कोई बच्चा कोई एथलेटिक्स सीखता है, जैसे रनिंग कर लिया, जंपिंग एक्टिविटीज सीख लिया, ट्रिपल जंप्स, स्किपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्विमिंग, बॉल गेम्स, जिमनास्टिक, ये सब विगरेस एक्टिविटीज में आते हैं। अभी मैं यहाँ क्यों आप लोगों से बात करने आई हूँ, हाउ डज फिजिकल एक्टिविटी इम्पैक्ट ब्रेन? फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन में, मस्तिष्क में क्या असर आता है? ऐसा काफी सारे रिसर्चर्स में देखा गया है, जिसका मैं बाद में आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगी। 6 से 17 साल के बच्चे अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उनके ब्रेन में बहुत अच्छा असर होता है। तो एक रिसर्च जो NBCI में के रिसर्च आर्टिकल में पब्लिश हुआ है, ये एक ब्रिटिश रिसर्च जर्नल है, जिसमें ये देखा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी, फिटनेस एंड फिजिकल एडुकेशन उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है। वो कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव करता है बच्चों में। फिर दूसरा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, वहाँ के एक रिसर्च में, बहुत उम्दा रिसर्च है ये, जिसमें ये देखा गया है कि फिजिकल एक्टिविटी, फिटनेस, कॉग्निटिव फंक्शन एंड एकेडमिक अचीवमेंट इन चिल्ड्रन हैव अ वेरी गुड कोरिलेशन, उनका बहुत अच्छा कोरिलेशन रहता है। और उससे बच्चों में जो हायर थिंकिंग आता है, तो वो कोई भी लेबोरेटरी के टास्क वगैरह, केमिस्ट्री टास्क हो, फिजिक्स का टास्क हो, बायोलॉजी का टास्क हो, वो बहुत इजीली कर सकते हैं। ये ब्रेन है जिसमें आप देख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस है और ये हिपोकैम्पस है। हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जबकि पूरे ब्रेन का ही इंपॉर्टेंट रोल है एक्सरसाइज जब करते हैं तब। लेकिन इनका साइज बढ़ता है जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रेन का साइज बढ़ने से इट इज गुड, इट इज हेल्दी। हाउ फिजिकल एक्टिविटी कैन इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन, कैसे ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव करता है? चार्ल्स बैश ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि नर्व्स कनेक्टिविटी जो ब्रेन में होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उससे बच्चों में लर्निंग, मेमोरी और हायर थिंकिंग होता है। हायर थिंकिंग जिसको हिंदी में उच्च विचार कहा जाता है, लर्निंग सीखने की प्रवणता उनमें बढ़ती है और याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है। ब्रेन लव्स एक्सरसाइज, ये स्पेशली ये स्लाइड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो हॉर्मोन्स वो क्या काम करते हैं ब्रेन में, उसके बारे में समझाया गया है। एंडोर्फिन जो है वो पेन सेंसेशन को डल करता है, कोई भी दर्द की अनुभूति को कम कर देता है। सेरेटोनिन जिसको हम हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं, ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है, तो उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एज यूजुअल ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिसको हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं, वो भी बढ़ते हैं। डोपामाइन रिलीज होता है जो कि मोटिवेशन, फोकस और लर्निंग को बढ़ाता है। हिपोकैम्पस बढ़ता है साइज में, वो हमने ऑलरेडी बोला है। उनका लर्निंग का एबिलिटी और मेमोरी बढ़ता है, मूड रेगुलेशन, मेंटल क्लियरिटी, मानसिक स्पष्टता उनमें रहती है, उनको क्या करना है आगे इस बारे में वो बच्चे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज होता है, जो कि न्यूरॉन्स को, नसों को जो ब्रेन को पहुंचती है, उनको रिपेयर और प्रोटेक्ट करती है। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, जो कि अटेंशन, परसेप्शन और मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। अटेंशन यानी कि ध्यान, मोटिवेशन प्रेरणा, और परसेप्शन बोले तो अनुभूति, उसको इम्प्रूव करता है। फिजिकल एक्टिविटी का कॉग्निटिव फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है? कॉग्निटिव फंक्शन क्या बढ़ाता है? कॉग्निटिंग यानी कि संज्ञानात्मक क्रिया, तो कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है, अटेंशन इम्प्रूव करता है। क्लासरूम में बच्चों का बिहेवियर, टीचर्स के लिए उनका रेस्पेक्ट, बाकी क्लासमेट्स के साथ उनकी जो मेल जोल है उसको
अच्छा बनाती है, अच्छा बर्ताव रहता है उनका सबके साथ, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, उनको क्लास में अच्छे ग्रेड्स आते हैं। क्या क्या एक्टिविटी करने से ब्रेन में असर आता है? तो कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिल जो भी बच्चा करता है उससे उनकी देख के सीखने की शक्ति बढ़ती है, उनका अटेंशन बढ़ता है, उनका हार्ट रेट, उनका हार्ट फंक्शन, लंग्स का फंक्शन सब इम्प्रूव होता है। वेट लिफ्टिंग करते हैं तो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, रीजनिंग, मल्टीटास्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे जो अच्छे गुण उनमें आते हैं। योगा कर सकते हैं बच्चे तो उनका इमोशन जो है वो कंट्रोल में रहता है, वो डरते नहीं है, वो डर से जूझ के आगे बढ़ने का प्लानिंग करते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो बच्चे करते हैं उनसे ही हाइपोथैलेमस का ग्रोथ बढ़ता है, तो एपिटाइट रेगुलेशन होता है, उनको समझ में आता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो अच्छा खाना भी खाते हैं क्योंकि उनको अपने स्वास्थ्य की ध्यान बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ब्रेन जो है वो एकदम काफी ये घसा हुआ ब्रेन है, इधर कोई गड्ढा नहीं है, इसमें गड्ढा है। इस सेम ब्रेन का ये ईएमजी स्टडी है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेन में बहुत कम फायरिंग है न्यूरॉन्स की। ये ब्रेन जो ज्वालामुखी की तरह दिख रहा है ये एक्सरसाइज वाला ब्रेन है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा फायरिंग है न्यूरॉन्स का। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मैम, किसी का शायद माइक ऑन है। जी जी मैम, अनिल त्रिपाठी सर, कृष्णा त्रिपाठी नाम से आईडी है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले थैंक यू अभी मैम, जो आए। ओके ओके प्लीज कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ ओके, हिपोकैम्पस में क्या इफेक्ट होता है? जैसे कि मैंने पहले ऑलरेडी बोला है कि हिपोकैम्पस का साइज बढ़ता है, उससे मेमोरी और कॉग्निशन भी बच्चों में बढ़ता है। तो हिपोकैम्पस यहाँ बीच में लाल वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये लाल वाला हिस्सा हिपोकैम्पस काफी बड़ा हुआ है, और बिकॉज ऑफ हिपोकैम्पस आसपास के ब्रेन एरियाज भी फायरिंग ज्यादा हो रही है। इधर ये ब्रेन जो एक्सरसाइज नहीं करता उसमें हिपोकैम्पस बहुत छोटा है और कोई फायरिंग ही नहीं है। एक्टिव किड्स एक्टिव ब्रेन्स, जितना बच्चा एक्टिव रहेगा, डॉक्टर्स कभी भी आप अगर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो उसको लेके फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब बच्चा एक्टिव रहता है तो मतलब उसका ब्रेन भी एक्टिव है, वो मैथ्स में अच्छे होते हैं, साइंस में अच्छे होते हैं, रीडिंग, सोशल स्टडीज, अटेंशन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, कॉग्निटिव फंक्शन, मेंटल हेल्थ, इन टोटल बहुत अच्छा रहता है, उनका हेल्दी ब्रेन रहता है। अभी ये एक रिसर्च में देखा गया है, आप देख सकते हैं ये पहला वाला जो जिसमें कंट्रोल ग्रुप, जब बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते थे, जब लंबी समय तक वो एक्सरसाइज करने लगे तो उनका मेमोरी पावर बढ़ने लगा, उनके मेमोरी टेस्ट्स लिए जाने लगे ईईजी पावर स्टडीज में, और देखा गया कि 2-3 महीने के स्टडी करने के बाद, उनका रेगुलर एक्सरसाइज करने के बाद, ये ब्रेन जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल मेमोरी ट्रेनिंग ग्रुप बन गया। यहाँ पे फिर से सीडीसी जो अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, वहां पे उन्होंने कुछ स्टडीज किए थे जिसमें देखा गया है द मोर दे बर्न द बेटर दे लर्न, मतलब जितना ज्यादा वो कसरत करेंगे उतना ज्यादा वो सीखेंगे। जब एक बच्चा 60 मिनट्स एक्सरसाइज करता है तब देखा गया है कि जिस बच्चे को पहले DEF ऐसे ग्रेड्स मिलते थे स्कूल में, अभी एक्सरसाइज करने के बाद उनके रिपोर्ट कार्ड्स में भी ग्रेड्स बेटर होने लगे। सो बेसिकली एडुकेशन इन अ हॉलिस्टिक वे इज एडुकेशन थ्रू गेम्स एंड ऑल, जैसे स्काउट्स वगैरह सब है, तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है गेम्स से। काफी सारे गेम्स हैं जिनमें से मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगी, जैसे बेसबॉल हो गया, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, हैंडबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, ये सारे गेम्स से हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। बैलेंस जैसे सर्फिंग, योगा, जिमनास्टिक, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सबसे बैलेंस इंप्रूव होता है, स्पीड इंप्रूव होता है, स्विमिंग, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी एथलेटिक्स करेंगे उससे उनका स्पीड इंप्रूव होता है, पावर, पावर लिफ्टिंग, शॉट पुट, रेसलिंग, ये सबसे पावर इंप्रूव होता है, इनफैक्ट उनके ब्रेन में पावर सेल्स ज्यादा जनरेट होते हैं, ऑब्जेक्ट कंट्रोल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जिमनास्टिक, स्केटिंग, ये सारे गेम्स में
ऑब्जेक्ट कंट्रोल सिखाया जाता है, वो बॉल को कंट्रोल करते हैं अपने हाथ से, बॉल में ही उनका ध्यान रहता है और एक लंबे समय तक जितने देर गेम चलता है उतने देर तक वो दे वॉच द बॉल ओनली, तो उसमें ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना सीखता है। और स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, टीम वर्क, प्रिसीशन, ये सारे चीजें हर गेम में रहती है। हर गेम में हर खिलाड़ी जीतने के लिए स्ट्रैटेजी को अपनाता है, उनके टैक्टिक्स होते हैं हर टीम का, चाहे वो टीम जीत रहा हो नहीं जीत रहा हो, डजंट मैटर, उनका स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स मैटर करता है, वो सब अपना ब्रेन वहां लगाते हैं ऑन द फील्ड। टीम वर्क, हर गेम में टीम वर्क होता है, सिर्फ जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं उनमें भी होता है टीम वर्क। कैसे? उनके पीछे एक कोच काम करता है, उनके टीचर्स काम करते हैं, उनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होते हैं वो साथ में रहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो टीम वर्क। सिर्फ ऑन द स्टेज आपको खिलाड़ी दिखता है लेकिन पीछे उनकी एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। प्रिसीशन, खेल में सिखाया जाता है कि हर छोटे से छोटे चीज का वैल्यू होता है, तो वो हर छोटे से छोटे चीज में शुद्धता लाने की कोशिश करते हैं, वो जिंदगी के हर मोड़ पर शुद्धता लाने की कोशिश करते हैं। ब्रेन के बेनिफिट्स, एक्सरसाइज करने से बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, कुछ मेंशन करना चाहूंगी। इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स ब्रेन में ज्यादा बढ़ते हैं जिससे ब्रेन सेल्स रिपेयर किए जाते हैं। इम्प्रूव करता है मेमोरी, अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है, मतलब लंबी समय तक ध्यान लगाने की शक्ति उनकी बढ़ती है। बूस्ट डिसीशन मेकिंग स्किल्स, प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ न्यू नर्व सेल्स एंड ब्लड सेल्स, इम्प्रूव्स मल्टीटास्किंग एंड प्लानिंग, वो बहुत अच्छे से पीरियडाइजेशन करते हैं, आज उनको क्या करना है, कल क्या करना है, उनको भविष्य में क्या करना है, उनमें मेंटल क्लैरिटी बहुत रहता है। अभी हम ये देखते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करने से, मैं तब से बोल रही हूँ एक्सरसाइज करने से ब्रेन सेल्स बढ़ते हैं, न्यूरॉन्स नए बढ़ते हैं, ब्रेन का साइज बढ़ता है, कैसे होता है। मैम अगर आप पीछे का साउंड प्लीज बंद कर सके तो। प्लीज रिक्वेस्ट है प्रेम सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो या संजीव सर तक, कृष्णा त्रिपाठी नाम की आईडी का माइक ऑन है, सर प्लीज इसको म्यूट कर दे सर। जब मसल्स में कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे कोई भी शारीरिक गतिविधि जब होती है, तब मूवमेंट इनिशिएशन होता है, तो वो मसल्स से, जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, पंपिंग होता है मसल्स का, उससे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हिपोकैम्पस में न्यूरोनल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है, स्टिमुलेस वाइब्रेशंस जेनरेट होते हैं जिससे ये सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। और फिर जैसे 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 ये केमिकल्स रिलीज होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सारे न्यूरॉन्स का सर्वाइवल रेट बढ़ता है। इसी तरीके से जैसे हम एक दिन दो दिन करके साल भर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उनका हेल्थ वैसे वैसे बढ़ता रहेगा। हम सभी जानते हैं फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बच्चों के लिए, सबके लिए जरूरी होता है, उससे वो बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए जरूरी है। उससे हम हार्ट डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, कोई भी जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, आर्थराइटिस कोई भी टाइप का, ओबेसिटी, ये सब कंट्रोल हो सकता है जब हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में करते हैं। वेदर किड्स विद परसिस्टिंग डिजीज शुड डू फिजिकल एक्टिविटी, जिन बच्चों में ऑलरेडी कोई बीमारी है या फिर जिनसे जिनका जन्म से बीमारी है कुछ, तो क्या वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं? हाँ जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आपको पता है अभी इंडिया को भी पैरालंपिक्स में गोल्ड मिल रहा है, तो फिर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, अगर हम निरंतर अभ्यास करें तो कोई भी चीज हम अचीव कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई शारीरिक तकलीफ है, तो आप कोई भी नियर बाई डॉक्टर या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके उनका फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करवा सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ चैलेंज सिखाता है स्पोर्ट्स हमें, सफरिंग यानी कि पीड़ा इन कॉम्पिटिटिव एथलीट्स एथलेटिक्स इज इनएविटेबल,
मैम वो साउंड बंद नहीं हो रहा है. मैम मैं टेक्निकल टीम से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ. कृष्णा त्रिपाठी नाम की आईडी का माइक कंटिन्यू ऑन है और प्लीज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है प्रेजेंटेशन में. जहाँ भी टेक्निकल टीम के मेंबर हो मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको म्यूट कर दें जिससे कि मैम का प्रेजेंटेशन प्रभावित ना हो. थैंक यू मैम. थैंक यू. यस मैम. ओके. सफरिंग्स इन कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स इज इनएविटेबल बट being able to embrace uncomfortable situations is paramount to success. जो भी खिलाड़ी खेलता है उसको पता है कि पीड़ा से क्या दर्द होता है और उनको ये भी पता होता है कि उस दर्द को ओवरकम करके कैसे आगे जीतना है, कैसे पूरा गेम कंप्लीट करना है. मैंने वेमेन्स टीम को लीड किया है काफी टाइम, तो मैंने देखा है मेरे काफी सारे खिलाड़ी जिनको शायद कोई फिंगर इंजरी गेम के वक्त हो गया है. और एक एमपी की प्लेयर थी जिसका फ्रैक्चर हो गया था उंगली में, उसके बाद भी उसने नॉट आउट 58 रन्स किए. तो विद द फ्रैक्चर्ड फिंगर मैंने सिर्फ उसको सपोर्ट दे दिया, टेप दे दिया और उसने बोला मैडम मैं खेलूंगी. तो ये जो एक दृढ़ विश्वास होता है वो बच्चों में आता है चैलेंज लेना. How often can a normal child exercise, duration, type of physical activity? एक normal बच्चा, 2 से 5 साल का बच्चा 3 घंटा खेल सकता है दिन में, उससे ज्यादा भी खेल सकता है. उसके लाइफ में पढ़ाई अभी नहीं स्टार्ट हुई, उसको खेलना ही ज्यादा चाहिए. ऐसे नॉर्मल जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो 1 घंटा दिन में खेल सकते हैं, डेली खेल सकते हैं. एरोबिक एक्टिविटी ऑल्टरनेट डे हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं 1 घंटे के लिए. कोई भी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, बॉडी वेट ट्रेनिंग्स 1 घंटे के लिए हफ्ते में 3 दिन ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इस हिसाब से कर सकते हैं. स्किल्ड एक्टिविटी कोई भी गेम सीख सकते हैं, वो जिम्नास्टिक हो गया, कोई एथलेटिक्स हो गया, स्केटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, एनीथिंग, जो भी उनको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो सीखना चाहिए. मैम बस 1 सेकंड के लिए आपको मैं रोकना चाहूंगा. ये मोहम्मद वसीम सर हैं, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें. और आप सभी से निवेदन है कि माइक म्यूट कर दें तो हम लोग इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और इतनी अच्छी. कृष्णा त्रिपाठी जी आप भी त्रिपाठी सर हैं क्या? सर माइक म्यूट कर दें और ताकि हम लोग जो है कि आवाज सुन पाए. आप सही कह रहे हैं कृष्णा त्रिपाठी जी का माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है. लगातार ऑन है साउंड. आप सभी अपनी साउंड ऑफ कर लें प्लीज. कृष्णा त्रिपाठी जी प्लीज म्यूट कर लें अपना माइक आप. मैम कृपया आप चालू करें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही अच्छा है. कृष्णा त्रिपाठी जी से मेरा निवेदन है कि प्लीज माइक म्यूट कर दें क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही समस्या हो रही है. सर म्यूट सर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो म्यूट कर रहे हैं टेक्निकल टीम प्लीज उनको फोन करके इन्फॉर्म कर दीजिए सर, शायद वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. जी बात हो चुकी है, वो संजीव शर्मा सर खुद बाहर हो गए हैं ड्यू टू लो नेटवर्क, पुअर नेटवर्क की वजह से बाहर हैं. थोड़ा समय लगेगा अब, बाकी अगर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिल है तो उनको ये नहीं करना चाहिए. सर शायद उनको नहीं पता चल पा रहा, वरना वो कुछ तो अप्लाई कर रहा है शायद वो ऑन करके जो भी रहा हो. मैम सॉरी मैम बिपाशा मैम. नो प्रॉब्लम नहीं कर पा रहे हैं. आपके साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा. मैम बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है और सभी सुनना चाह रहे हैं आपको, लेकिन बीच बीच में वो साउंड जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी. और सभी से सॉरी बोल रही हूँ कि जैसे ही हमारे सर हमारे साथ वापस जुड़ते हैं तो मैं इसको तुरंत अनम्यूट करवाती हूँ. प्लीज कंटिन्यू. तो प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. ओके अभी मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ. मेरे एक पेशेंट है डॉक्टर त्रिपाठी है, वो 78 इयर्स के हैं. उनको आर्थराइटिस का जोड़ों का बहुत दर्द था, तो वो हमारे पास आते हैं.
तो हम उनको बोलते हैं क्योंकि वो अपने चेंबर में, उनका एक छोटा सा क्लिनिक है जिसमें वो सुबह से शाम ओपीडी ड्यूटी करते हैं, सुबह 9 से 12 करते हैं, शाम को 5 से 8 बजे तक ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं, लगातार बहुत पेशेंट्स आते हैं उनके पास। तो वो हमारे पास आए कि मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतना दर्द हो रहा है। तो हमने उनको छोटा सा एडवाइस दिया था, हमने बोला था कि सर आप ऐसा कीजिए, हर एक पेशेंट के बाद आप 2-3 मिनट का ब्रेक ले लीजिया करिए, उठ के थोड़ा पानी पी लीजिया कीजिए, थोड़ा सा इधर उधर चल लिया कीजिए। तो उन्होंने एक बहुत अद्भुत सा नियम बनाया अपने क्लिनिक का, हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए। अभी एक बार मैं अपने एक रिलेटिव को लेके उनके पास गई थी, तो मैंने देखा कि सर खुद चेंबर से बाहर आ रहे हैं और पेशेंट का फाइल रिसेप्शन से लेके पेशेंट से बात करते हुए अंदर जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या बात है सर, बोले हाँ इससे मेरा पेशेंट के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाता है और तुमने जो बोला वो भी ध्यान में रहता है, थोड़ा चलना फिरना बीच में हो जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि हर एक इंसान को, जैसे कि अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया है, सब कुछ घर पे बैठ के कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है, तो सब लोग लैपटॉप पे मोबाइल पे काम करते रहते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा गैप लीजिए कीजिए, 15-20 मिनट के बाद थोड़ा उठ के चल फिर लिया कीजिए, सबको हाई हेलो कह लीजिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, तो उससे सेहत अच्छा रहेगा आपका, एक्टिविटी भी हो जाएगी। ओके, ब्रीदिंग, ये कोरोना टाइम में ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ छोटे से वीडियोज बनाए हैं जो मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म होते ही आपको दिखाऊंगी। मैं प्रेजेंटेशन खत्म करना चाहूंगी इस नोट के साथ, बीइंग हाई परफॉर्मर्स दे पुट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स इन फील्ड्स लाइक स्कूल, स्पोर्ट्स एंड कम्युनिटी। जो प्लेयर्स होते हैं, जो स्कूल के लिए मेडल्स लाते हैं, स्टेट के लिए मेडल्स लाते हैं, अपने देश के लिए मेडल्स लाते हैं, वो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, वो स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं, साथ में उनका कम्युनिटी में भी उनको शुद्धता से अपना प्रदर्शन करना पड़ता है, ताकि उनमें वो एक सबको एक सही रास्ता दिखा सके। तो अगर हमारे हर घर में ऐसा एक बच्चा हो जो सबका, देश का पथ प्रदर्शक हो, जो एक कम्युनिटी का पथ प्रदर्शक हो, जो सब में मेल मिलाप, अच्छे भाव, सद्भावना जगा सके, अगर स्पोर्ट्स से वो आए तो, और स्पोर्ट्स से ये भावना आती ही है बच्चों में, टीम स्पिरिट आती है, कम्युनिटी वेलफेयर ये फीलिंग आती है उनमें कि उनको अपने जगह के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, अगर हर घर में एक ऐसा रोल मॉडल हो तो हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा। वर्क हार्ड, प्ले हार्डर, that is what I will say for every children out there in the world. Thank you everyone. अभी मैं कुछ videos बनाई हूँ, वो videos मैं आप लोगों से share करना चाहती हूँ। Sure ma'am. Yeah, thank you. आपको दिख रहा है मैडम? यस मैम, स्क्रीन शो हो रही है। ओके श्योर, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके मैम, ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेस है जो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। हम बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो एडवाइस देते हैं, नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो, तो बच्चों के लिए बोल के फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप उनको एक बलून दे सकते हैं और उनको बहुत मजा आएगा। आप देख सकते हैं इस बच्चे को, ये 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा जो ये एक्टिविटी बहुत आराम से कर रहा है और उसको बहुत मजा आ रहा है करने में। So, even a 3 years kid can do this. बलून फुलाना है और बलून को 3-4 बार फुला के वो 5 से 6 बार ये एक्टिविटी कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो गया। ये बड़े बच्चे हैं थोड़े, जो स्कूल में जाते हैं, 7 से 13 साल के बच्चे हैं, उनको भी बहुत मजा आता है। बलून के बाद हमने ये छोटा सा एक्टिविटी रखा था जिसमें कैंडल्स ब्लो करने हैं, घर में कभी भी कर सकते हैं, बच्चों को बहुत मजा आता है, बड़े बच्चे आसानी से कर लेते हैं, छोटे बच्चों को थोड़ा तकलीफ होता है। ब्रीद इन विद स्ट्रॉ, होल्ड एंड रिलैक्स।
स्ट्रॉ से पॉम्पॉम बॉल्स को एक जगह से दूसरे जगह ब्रेथ होल्ड करके लेके जाना है। साइज भी हो गया और साथ में उनको मजा भी आ गया, कंपटीशन की तरह रख सकते हैं, उनका अटेंशन भी इससे इम्प्रूव होता है। 6 साल 5 साल के बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, पर इससे उनकी अटेंशन ध्यान की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है। एक्टिविटी जिसमें बलून से ब्लो करके डिस्पोजेबल कप्स को एक साइड से दूसरे साइड लेके जाना है, इसमें भी बलून में ब्लो करके उनको होल्ड करना है वो बलून, क्योंकि बलून अगर हवा निकल गई बलून से जब तक दूसरे साइड नहीं लेके जाए तब तक होल्ड करके रखना है। जरूरी है कि रूल्स फॉलो करें, तो देखिए ये बच्चे ने रूल फॉलो नहीं किया तो हमको उनको बताना पड़ेगा कि रूल्स फॉलो करना हर चीज में जरूरी होता है, चाहे वो गेम हो चाहे लाइफ का कोई भी मोड हो। छोटे 3 साल के बच्चे को भी ये गेम बड़ा मजा आया, उसने खुद बोला कि मैं भी करना चाहता हूं। है वो थोड़े एथलेटिक वीडियोस हैं जिसमें एथलेटिक ट्रेनिंग्स भी हो सकते हैं, तो इसमें मैंने उनको एक दो टीम बना दिया, एक्सप्लेन किया कि उनको ऐसे बॉल को ड्रिबल करके गोल पोस्ट में गोल करना है। इससे उनका डिसिप्लिन भी देखा जा सकता है, टीम स्पिरिट देखा जा सकता है, अपने टीम को प्रोत्साहन देना, और जितना वो प्रैक्टिस करेंगे उतना गोल पोस्ट में ज्यादा जाएगा बॉल। सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है एक बार में गोल पोस्ट में देना, लेकिन कोशिश किया बच्चों ने। इधर आप देख सकते हैं इसने कोशिश की लेकिन गया नहीं बॉल। फिर ये लैडर एक्टिविटीज है जो फुटबॉल हॉकी बास्केटबॉल सारा, और इस लैडर के थ्रू आप कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों में, उनको बहुत मजा आता है इसमें। स्टार जंप्स करवा सकते हैं, जंप स्क्वाट, साइड वाइज, कैरोके, कुछ भी करवा सकते हैं, हाई नीज, बट किक, सब। मैंने उनको सीरीज दे दिया था 3-4 एक्सरसाइजेस के, और उनको वो याद रख के हर एक खिलाड़ी को करना था, जो पहले खत्म कर सकता है वो विनर था, तो रेड टीम विनर बनी। और ये भी ध्यान रखना है उनको कि गैप्स में ही पैर रखना है, तो अटेंशन भी उनका बहुत जरूरी है कि पैर इधर उधर गया तो लैडर हिल जाएगा। ये थर्ड एक्टिविटी जो था इसमें बॉल पैर से, हाथ का यूज नहीं करना है, बॉल पैर से लेके अपने टीममेट को पास करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड टीम कितना कोऑर्डिनेटेड वे में चीयर भी कर रही है अपनी टीम को और साथ में कर भी रही है अच्छे से, पर येलो टीम का कोऑर्डिनेशन का अभाव है, उनको शायद उन्होंने ठीक से सुना भी नहीं, अटेंशन स्पैन उतना नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को बड़ा मजा आया ये सब एक्टिविटीज करने में, इससे उनका एक्सरसाइज भी हो रहा है, आप देख रहे हैं उनको लेग्स को ऊपर लेके पीछे तक लेके जाना है, फुल बैक बेंड हो रहा है उनका, सो फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक हो जाती है। ये क्रैब वॉकिंग है जिसमें आपके ट्राइसेप्स और हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, विजुअल एंड ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोन्स नहीं दिख रहे हैं लेकिन बिना कोन्स को टच किए आपको जिगजैग वे में ये पूरा रूट कंप्लीट करना है, तो टीममेट्स आपको जो एडवाइस देंगे लेफ्ट राइट आगे पीछे उस हिसाब से कंप्लीट करना है पूरा पाथ। सो क्वाइट फन फॉर द किड्स, उनको बहुत मजा आता है ये सब करने में, पर इससे हम देख सकते हैं टीम स्पिरिट और लीडरशिप भी कितना ज्यादा होता है, कि लीडरशिप में ये आ जाता है कि एक ही बच्चा टीम में जो है बोलेगा ताकि जो प्लेयर है वो कंफ्यूज्ड ना हो, अगर सारे बच्चे साथ में बोलने लगेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा तो प्लेयर के लिए परफॉर्म करना डिफिकल्ट होगा। तो इधर भी रेड टीम ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था। ये सारे वीडियोस हैं जितने
मैंने दिखाया आपको, सॉरी हेलो, यस मैम, हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं अभी कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ. 10 एक्सरसाइजेस है जो होल बॉडी एक्सरसाइजेस है. आप लोग जो टीचर्स हैं वो स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तब पढ़ाने के बीच में थोड़ा बहुत एक दो एक्सरसाइज करवा सकते हैं, जिससे बच्चों का भी थोड़ा ध्यान लगा रहेगा, थोड़ा यू नो ब्रेक हो जाएगा पढ़ाई के बीच में, और साथ में टीचर्स का भी एक्सरसाइज हो जाएगा. इतने देर बैठे बैठे उनको भी गर्दन में, हाथ में, कमर में दर्द होने लगता है. बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो मैं चाहूंगी कि अगर सब लोग परफॉर्म करें साथ में तो बहुत अच्छा होगा, एक इंटरैक्टिव सेशन हो जाएगा. सब अगर बिल्कुल, अपना बिल्कुल, वीडियो ऑन कर सके, माइक म्यूट में रख के वीडियो ऑन कर सके, तो सभी से रिक्वेस्ट है जो अपना वीडियो ऑन करना चाहे और मैम के साथ सेम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहे फन के लिए, तो सभी का स्वागत है. और आप अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं और इसका रिकॉर्डिंग भी एक हमारे पास अच्छा सा हो जाएगा. तो रिक्वेस्ट है जो अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं प्लीज ऑन कर ले माइक, लेकिन उसको म्यूट ही रहने दें. ओके तो मैं स्टार्ट करती हूँ. बीच में शायद मुझे थोड़ा वक्त लगेगा कैमरा एडजस्ट करने के लिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले हम गर्दन की एक एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जिसको टक इन एक्सरसाइज कहा जाता है. सॉरी वन मिनट, इसको मैम इसको मैं पिन कर रही हूँ, एक सेकेंड मुझे टाइम लगेगा. श्योर मैम, इधर मैं साइड से दिखाती हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. नेक टक इन, बस गर्दन को पीछे लेना है. ओके सब लोग कर रहे हैं, किसी का वीडियो ऑन नहीं है, कोई दिखाना नहीं चाहता. मैम मैं कर रही हूँ. ओके श्योर, टक इन. सो हम पांच बार करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव. ओके गुड, ये हम कर सकते हैं बैठे बैठे भी. नेक्स्ट जो है शोल्डर रिट्रैक्शन. सो शोल्डर्स को हम पीछे लेंगे ऐसे, क्योंकि हम बैठ के पूरा टाइम ऐसे काम करते रहते हैं, तो शोल्डर्स के लिए और बैक के लिए बहुत अच्छा है ये. तो शोल्डर रिट्रैक्शन, वन टू थ्री फोर फाइव. ओके शोल्डर हो गया. नेक्स्ट शोल्डर अराउंड द वर्ल्ड कहते हैं इसको, अराउंड द वर्ल्ड एक्सरसाइज, जिसमें आप हाथ को ऐसे रख लेंगे, पीठ को सीधी रखेंगे और अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, टू उसी पोजिशन में बैठ के शोल्डर रोटेशन, हाथ को ऐसे ही रख लेंगे, पीठ सीधी रख के, जस्ट गर्दन नहीं घुमाना है, बैठे हुए हैं और बॉडी को घुमाना है. वन टू थ्री, वेरी गुड, फोर, शाबाश, कम ऑन एवरीवन, फाइव. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हम कर रहे हैं कैट एंड कैमल. तो इसमें पीठ को एक बार पूरा ऐसे राउंड करना है और एक बार एक्सटेंड करना है. तो अगर आपके सामने कोई टेबल है तो आप टेबल में हाथ रख सकते हैं, या फिर अपने पैरों में घुटनों के ऊपर हाथ को रख सकते हैं. मैं टेबल पे हाथ रख के आपको दिखाती हूँ. एक मिनट, मैं ये हेडफोन निकाल. सो कैट एंड कैमल, सॉरी कैट कैमल, क्योंकि पीठ ऊंची होती है इसलिए कैमल कैट. वन two, let's start everyone, three, four, five. Okay, very good ma'am.
नेक्स्ट हम करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग का सिटिंग में कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मैं एक मिनट थोड़ा अपना कैमरा सीधा कर लेती हूँ। मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? यस यस मैम, यस मैम। फाइन, तो आप बैठे हुए हैं और पैर को ऐसे सीधे करके पंजों को अपने तरफ कीजिए। वन, पीठ सीधी रखिए। टू, आगे भी झुक के टच कर सकते हैं, जितना आगे तो टच कर सके, वेरी गुड। थ्री, फोर, एक तरह से आपका पिछला हिस्सा पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। फाइव, आई होप सबने किया होगा। ओके, नेक्स्ट इज ग्लूट्स सीटेड स्ट्रेच। आपने पिछला जो एक्सरसाइज किया उसमें आपको इस हिस्से में स्ट्रेच फील हुआ होगा, अभी जो करेंगे उसमें बम वाला हिस्सा आपका स्ट्रेच होगा। हाउ डू डू दिस? सो वेरी इजी, पैर को ऐसे दूसरे पैर के ऊपर रख लीजिए और फिर आगे की तरफ झुकेंगे, पीठ सीधी रख के आगे की तरफ झुक जाइए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। सब लोग कर रहे हैं ना? एक बार थम्स अप देके चैट बॉक्स में बता दीजिए कि सब कर रहे हैं। वन, टू, थ्री। दूसरा साइड कर रहे हैं अभी। थैंक यू संगीता मैम, सुमन मैम, दीप्ति मैम, गिरीश सर, संतोष गुप्ता, संतोष शर्मा, अनिल त्रिपाठी। नेक्स्ट वी आर डूइंग, थैंक यू सभी को। चेयर में भी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। चेयर को ऐसे साइड में रख लेंगे, एक पैर पीछे, एक पैर पीछे रहेगा जमीन पे और दूसरा पैर आगे रहेगा। अभी आप यहाँ के हिस्से से, कमर के हिस्से से आगे जाएंगे, पीछे जो एड़ी है वो उठना नहीं चाहिए, तो आपको इधर के हिस्से में, आगे के हिस्से में स्ट्रेच फील होगा। सो हाउ डू वी डू इट? वन, चाहे तो आप सपोर्ट ले सकते हैं चेयर का। टू, थ्री, यहाँ खिंचाव महसूस होगा। फोर, बैठे बैठे क्या होता है कि ये वाला हिस्सा बहुत खींच जाता है, तो आप जब बार बार बीच में ब्रेक्स में उठते हैं 20-15 मिनट के बाद, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। वन, टू, अदर साइड, कम ऑन एवरीवन, थ्री, फोर, फाइव। ओके, वेरी गुड, सब कर रहे हैं ना? नेक्स्ट इज, यस मैम, यस मैम। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट, हील रेज। हील रेज मतलब एड़ी पे आना है। ओके, सो आप सपोर्ट ले लीजिए, चेयर को ऐसे पकड़ लीजिए, चाहे तो सपोर्ट लीजिए, नहीं चाहे तो मत लीजिए। गो अप ऑन योर टोज। वन, टू, आपके काफ्स में फील होगा। थ्री, फोर, फाइव, शाबाश, वेरी गुड। चाहे तो एक पैर में भी कर सकते हैं और अच्छा होगा। नेक्स्ट, स्क्वाटिंग ऑन चेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोग साथ में कर रहे हैं मैम, थैंक यू वेरी मच, इतना सारा अच्छी अच्छी। यस मैम, ओके, स्क्वाट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे स्क्वाट नहीं करना है, स्क्वाट करने के लिए हमेशा पीछे जैसे कुर्सी पे बैठते हैं वैसे करना चाहिए। तो उठते वक्त अपने पम्प्स को स्क्वीज करना है, टाइट कर लेना है दोनों पम्प्स को और हील से पुश करके उठना है। ओके, वन, स्टार्ट, टू, थ्री, फोर, फाइव, वेरी गुड। तो इसी के साथ आप सबका भी एक्सरसाइज हो गया आज के इस फिजिकल एक्टिविटी वाले सेशन में। आई थिंक सबका फिजिकल एक्टिविटी हो गया एक तरीके से। यस मैम, पक्का, और बहुत सारे थम्स अप मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक मैम का बेटा भी उनके साथ कर रहा है शायद। बहुत अच्छी बात है। पूजा सिंह मैम है, उन्होंने अपना कैमरा वीडियो ऑन किया हुआ है। थैंक यू पूजा मैम। थैंक
वेरी नाइस एक्सरसाइज, थैंक यू मैम. आप ये सारे एक्सरसाइज अपने बच्चों को एंजॉय कर सकते. बिल्कुल बच्चों के साथ भी करेंगे मैम. मैम ये बच्चों के लिए ही है और हमारे स्कूल के बच्चे भी एंजॉय करेंगे. जी जी ओके थैंक यू विपाशा मैम. और आपने बिल्कुल ऐसा लॉट्स ऑफ एनर्जी और सभी ने इतना अच्छा फील किया है कि बिल्कुल लग ही नहीं लग रहा कंटिन्यू करते ही रहे. बस टाइम लिमिट है तो इसलिए सो सॉरी वरना मैं आपसे बोलती कि आप कंटिन्यू करें. मैम अपना व्हाट्सएप नंबर बोल दीजिए प्लीज विपाशा. मैम सभी का नंबर ना ग्रुप में या चैट बॉक्स में डलवा दिया जाएगा. आप डिटेल दे देंगी तो सब लोग उसको नोट कर लेंगे और आपका नंबर कॉन्टेक्ट नंबर और आपका जो भी चैनल है. तो थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू वेरी मच विपाशा मैम.